मलाड चिल्ड्रन स्कूल में बीजेपी के युवा नेता सिद्धार्थ शर्मा और अपोलो हॉस्पिटल के सहयोग से 18 के लिए 3 दिन से वैक्सीन सेंटर चालू है, जिनका लाभ 2500 लोगों ने ले लिया है। 4000 लोगों को वैक्सीन देने का टारगेट रखा है, जो 4 दिन में ही लोगों ने पूरा कर दिया। सिद्धार्थ शर्मा ने महाराष्ट्र सरकार 18 के लिए वैक्सीन क्यों नहीं लगा रही है, हमें वैक्सीन मिल रहा है और सरकार को वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा है और क्या कुछ कहा सिद्धार्थ शर्मा ने, देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। ने जो वैक्सीनेशन सेंटर किया है, ये एक तरीके से आज के दिन की ज़रूरत है। लोग वैक्सीन लेने के लिए आतुर है और सरकार जो महाराष्ट्र की है, महानगर पालिका की जो सत्ताधारी लोग हैं, वो वैक्सीन खरीदने में भी असफल हो रहे हैं और वो असफलता जान पूछ करके है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन एक डाल दी है कि भाई हमको आप एडवांस पेमेंट नहीं मांगेंगे तो ही हम करेंगे। ये नाते जो एडवांस पेमेंट का जो वो क्लॉज डाल रहे हैं, इस कारण एक भी वैक्सीन उनको मिल नहीं रही है और उस कारण से 18 से 44 जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग को हम दे नहीं पा रहे थे। इसके लिए हमने प्राइवेट हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल से टाइप किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे मलाड में सेंटर आकर के चालू करिए एक, और हमने हमारे मलाड के 4000 युवाओं को इसमें वैक्सीनेट किया है। कहीं ना कहीं एक विवादित विषय भी आ रहा है कि आप राजनीतिक ये कोविड को राजनीति में कन्वर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों से पैसे ले रहे हैं, क्या करें जी? देखिए, कैसा है कि लोगों से पैसे ले रहे हैं और राजनीतिक विषय कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये कैसा है कि भाई जो काम नहीं कर सकता वो काम करने वालों को रोकने के लिए मुद्दा बनाता है, वो मुद्दा बनाते रहिए। और ऐसा है, पैसे हम कहाँ ले रहे हैं, पैसे तो अपोलो हॉस्पिटल ले रही है, बल्कि हम तो सेटअप खड़ा करके दिए हैं पूरा और हमारे लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं उसमें। तो ये जो काम नहीं कर सकता है ना, वो ऐसे मुद्दे बनाता है। ये कहीं ना कहीं कितनी अमाउंट लिए जा रही है, रोज़ के कितने लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है? रोज़ के 1000 लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है और 1000 रुपये में जो अपोलो हॉस्पिटल का चार्जेस है, वो अपोलो हॉस्पिटल उनसे चार्जेस ले रही है वैक्सीन के लिए। क्या रिसीट वगैरह कुछ दिए जा रहे हैं? वो अपोलो हॉस्पिटल दे रही है डायरेक्ट उनको। तो क्या संदेश है मुंबई के युवाओं को, जो 45 से लेकर 60 के बीच जो सक्षम है, उनके लिए क्या संदेश देना? 45 to 60 के लिए रिक्वेस्ट है कि जैसे ही सरकार जो चालू करके रखे, आप उनको सरकार के फ्री कैंप में आप लीजिए। और जो 18 से 44 के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में है। युवाओं को हम लोग सामने से, आपको सरकार नहीं दे पा रही, हम देंगे आपको। और जिसको लास्ट 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो लोग करके बहुमत पर ये रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं रहे लास्ट 3 महीने के बारे में क्या कोविड हुआ है? आप पत्रकार में से एक जन ने उनको वैक्सीन के बारे में चर्चा की थी TV9 के, उसका TV9 का उनका एक ट्वीट आया था, उन्होंने उस पर अपने मुंबई के मेयर जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। एक ट्विटर के जो व्यक्ति अकाउंट होल्डर था, उन्होंने उनसे पूछा था कि कॉन्ट्रैक्ट किसको दोगे, तो उसको कहते तेरे बाप को। अब ये मुंबई के पहले व्यक्ति जो मेयर है, उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए क्या? उनको कॉन्ट्रैक्ट देना नहीं है, इस नाते पब्लिक मरे तो मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हम पब्लिक के लिए खड़े और हम पब्लिक के लिए काम करते रहेंगे। उसमें पर लिखना कंपलसरी है, आपका मैसेज स्लॉट रेडी रखिए। आपको 3 महीने के अंदर कोविड हुआ होगा तो आप हमें बताएंगे, 3 महीना कंप्लीट होने के बाद आपको वैक्सीन मिलेगी। कोविड होने के 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही वैक्सीन मिलेगी, 3 महीने की मिली। कोविड रेफरेंस नंबर लिखिए फॉर्म पे, मास्क जरूर पहने। जो वैक्सीनेशन सेंटर किया है, ये एक तरीके से आज के दिन की ज़रूरत है। लोग वैक्सीन लेने के लिए आतुर है और सरकार जो महाराष्ट्र की है, महानगर पालिका की जो सत्ताधारी लोग हैं, वो वैक्सीन खरीदने में भी असफल हो रहे हैं और वो असफलता जान पूछ करके है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन एक डाल दी है कि भाई हमको आप एडवांस पेमेंट नहीं मांगेंगे तो ही हम करेंगे। ये नाते जो एडवांस पेमेंट का जो वो क्लॉज डाल रहे हैं, इस कारण एक भी वैक्सीन उनको मिल नहीं रही है और उस कारण से 18 से 44 जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग को हम दे नहीं पा रहे थे। इसके लिए हमने प्राइवेट हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल से टाइप किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे मलाड में सेंटर आकर के चालू करिए एक, और हमने हमारे मलाड के 4000 युवाओं को इसमें वैक्सीनेट किया है। कहीं ना कहीं एक विवादित विषय भी आ रहा है कि आप राजनीतिक ये कोविड को राजनीति में कन्वर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों से पैसे ले रहे हैं, क्या करें जी?
देखिए कैसा है कि लोगों से पैसे ले रहे हैं और राजनीतिक विषय कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये कैसा है कि भाई जो काम नहीं कर सकता वो काम करने वालों को रोकने के लिए मुद्दा बनाता है, वो मुद्दा बनाते रहिए। और ऐसा है, पैसे हम कहाँ ले रहे हैं? पैसे तो अपोलो हॉस्पिटल ले रही है, बल्कि हम तो सेटअप खड़ा करके दिए हैं पूरा और हमारे लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं उसमें। तो ये जो काम नहीं कर सकता है ना, वो ऐसे मुद्दे बनाता है। ये कहीं ना कहीं कितनी अमाउंट लिए जा रही है, रोज़ के कितने लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है? रोज़ के 1000 लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है और 1000 रुपये में जो अपोलो हॉस्पिटल का चार्जेस है वो अपोलो हॉस्पिटल उनसे चार्जेस ले रही है वैक्सीन के लिए। क्या रिसीट वगैरह कुछ दिए जा रहे? वो अपोलो हॉस्पिटल दे रही है डायरेक्ट उनको। तो क्या संदेश है मुंबई के युवाओं को जो 45 से लेकर 60 के बीच जो सक्षम है उनके लिए क्या संदेश देना? 45 to 60 के लिए रिक्वेस्ट है कि जैसे ही सरकार जो चालू करके रखी आप उनको सरकार के फ्री कैंप में आप लीजिए। और जो 18 से 44 के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में है। युवाओं को हम लोग सामने से, आपको सरकार नहीं दे पा रही, हम देंगे आपको। और जिसको लास्ट 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग करके रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं रहे हैं लास्ट 3 महीने के बारे में क्या कोविड हुआ है? आप पत्रकार में से एक जन ने उनको वैक्सीन के बारे में चर्चा की थी TV9 के, उसका TV9 का उनका एक ट्वीट आया था, उन्होंने उस पर अपने मुंबई के मेयर जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। एक ट्विटर के जो व्यक्ति अकाउंट होल्डर था, उन्होंने उनसे पूछा था कि कॉन्ट्रैक्ट किसको दोगे, तो उसको कहते तेरे बाप को। अब ये मुंबई के पहले व्यक्ति जो मेयर है उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए क्या? उनको कॉन्ट्रैक्ट देना नहीं है, इस नाते पब्लिक मरे तो मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हम पब्लिक के लिए खड़े और हम पब्लिक के लिए काम करते रहेंगे। उसमें उनको राजनीति लगती होगी तो वो उनकी समझ है, उसका लेवल हम वो लेवल पे गिर के नहीं, ये हमारे लिए मानवता का विषय है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नाम भी नहीं लगाया हमने, ये एक सामाजिक संस्था कार्यक्रम कर रही है और वो करेगी अच्छे से। और इस प्रकार से हम सरकार अगर फेल होगी तो हम हर जगह पर जाके खड़े होंगे। आपको मैं बताता हूँ, जाइए कर्नाटका में सोसाइटीज़ में जाकर के कर रहे हैं और यहाँ पे हम 18 to 44 को भी नहीं दे पा रहे। ये एकमात्र कारण है, सरकार फेल है और कोई कारण नहीं, और हम उसके लिए खड़े हैं। जहाँ पे सरकार फेल होगी वहाँ पे हम फुल करने के लिए खड़े हैं काम। 4 दिन में अब तक कितना वैक्सीनेशन हो गया? 3रा दिन है आज और अभी तक में 2500 वैक्सीन हुआ है। टोटल 4 दिन का कैंप है और 4000 वैक्सीन हो गए।